हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, विजिट किया हमारे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करना है। और उसके बाजू में जो एक नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, बट मैं बहुत लिमिटेड बुकिंग्स लेती हूँ, ठीक है? सो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मेरे और दो चैनल्स हैं, प्लीज़ जाके वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप ओपन करोगे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है? आज जो वीडियो मैं कर रही हूँ, ये है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर हमेशा ऑन एंड ऑफ करते हैं रिलेशनशिप में। कभी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों में क्यों आ रही है? क्या चल रहा होता है इस पर्सन के मन में? क्यों ये बार बार चले जाते और चले आते हैं, ठीक है? इसी के बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ये क्यूट सा क्रिस्टल ट्री मैंने लिया है, ये क्यूट सा क्रिस्टल ट्री मैंने ख़रीदा है। यहाँ पे अलग अलग क्रिस्टल के लगा के इसको क्यूट से प्लांट के रूप में बनाया गया है। सो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छा है, अगर आप अपने ऑफिस टेबल पे रखते हो, अपने बेडरूम में रखते हो, अपने लिविंग एरिया में रखते हो, कहीं भी रख सकते हो इसको, हरे सेटअप के साथ अच्छा जा रहा है। या अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, क्रिस्टल ट्री करके मैं डालूंगी और उसके सामने लिंक होगी, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो यू कैन टोटली बाय दैट। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों करते हैं, चले जाना चले आना वापस क्यों, एंड कब तक ये ऐसा करते रहेंगे, या क्या चल रहा होता है इस पर्सन के मन में। सी लेट्स सी, चल शुरू करते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल लव रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच ना करें। जो चीज़ें मैच होती रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। चलिए लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट वन वी हैव इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट नेक्स्ट? ओके, मजिशियन नेक्स्ट है। यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, लिटरली मतलब वही एनर्जी पिक हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों ये पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते हैं? टू ऑफ कप्स, वाओ, वन मोर कार्ड प्लीज। टेम्परेंस, सेगिटेरियस। कार्ड्स के साइंस मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मुझे कौन से साइंस दिखाई दे रहे हैं अभी तक। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई है, सेगिटेरियस है, जेमिनाई, लीब्रा, अक्वेरियस है, और एरीज, लियो और सेगिटेरियस है, ठीक है? देखिए, पहली बात, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन पहली बात है कि प्यार काफ़ी करते हैं आपसे। दे फील अ सोलमेट कनेक्शन विथ यू, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, देर इज़ नो डाउट। डेफिनेटली ये पर्सन एक कनेक्शन फील करता है आपके साथ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अगर 100 बार भी चले जाते हैं, 100 बार ही वापस भी आ जाते हैं, ओके, बिकॉज द फाउंडेशन इज लव। दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू अ लॉट। मेनी ऑफ यू आर इन टू अ सोलमेट जर्नी विद दिस पर्सन, मतलब एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों में, एंड यू बोथ आर सोल टाइज है आप लोगों में। यू बोथ रिकोगनाइज ईच अदर ऑन अ सोल लेवल। एक दूसरे को आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते हो, ठीक है? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो प्यार है। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, दिस इज़ अ साइकिल। मुझे लगता है कि इट गोज ऑन एंड ऑन। ये पर्सन को पता होता है एट द एंड देर इज़ लव एंड एवरी थिंग विल बी सॉर्टेड आउट, ठीक है? इनको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। प्यार है यहाँ पे, वो इस बारे में बहुत श्योर है कि वो जितना प्यार करते हैं आप भी उतना करते हो या उससे ज़्यादा। सो आप मान जाओगे, आप सेटल डाउन कर लोगे चीज़ों को। दिस इज़ द काइंड ऑफ, इसको कि हम कह सकते हैं कि पर्सन बहुत फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं आपको, आपके प्यार को, ठीक है? टेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को, आपके प्यार को टेस्ट करते हैं, आपके कमिटमेंट को टेस्ट करते हैं। सो कमिंग टू द रीडिंग, मुझे लगता है ये पर्सन, पहली बात, यू माइट बी डीलिंग विद समवन जो आपसे एज में कम हो। थोड़े से मुझे एज गैप दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है आप छोटे हो या ये छोटे हैं, जो भी छोटा है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर। ओके, पेज की एनर्जी है, शुरुआत की रीडिंग्स में ही वी हैव द पेज एनर्जी।
दिस पर्सन इज़ वेरी नॉटी, दिस पर्सन इज़ वेरी, ये पर्सन को अच्छा लगता है आपको वेट करवाना, आपके पेशेंट्स को टेस्ट करना, आपको यू नो आपको परेशान करना बेसिकली. और मुझे लगता है जब भी ये आपसे दूर होते हैं, जब भी ये नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, दे ट्राई टू, ये पर्सन स्टॉक करता है आपको, दे ट्राई टू सी यू व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर अप टू. ठीक है, तो नज़र तो पूरी रहती है बिकॉज आई लव यू डेफिनेटली. एंड येस, इनमें है वो एस्केपिस्ट एनर्जी, मे बी बिकॉज दे आर टू इमेच्योर्ड इमोशनली. ये बंदा काफ़ी इमेच्योर है. दिस पर्सन इज जस्ट रनिंग देयर ऑन पैशन. ये पर्सन काफ़ी पैशन, मतलब कहते हैं ना, एक रोज टिंटेड ग्लासेस से देख रहे हैं. ये इमोशनल लेवल पे नहीं चीज़ों को देख पा रहे हैं. ऑल्सो दिस पर्सन इज़ अ लॉट मैनिपुलेटिव. ये पर्सन चीज़ों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं. दे नो के आप प्यार करते हैं, यू विल बी देयर. इसीलिए ये पर्सन दैट, ये इनकी टेंडेंसी हो गई है टू गो एंड कम बैक, टू गो एंड कम बैक. दे ऑलवेज रन फ्रॉम द रिलेशनशिप, फ्रॉम द कमिटमेंट, फ्रॉम द लव दे हैव फॉर यू. मे बी ऐसा प्यार या ऐसा कनेक्शन उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया, एंड दैट इंटिमिडेट्स दैम. हो सकता है कि ये प्यार या आप जितना प्यार करते हो उनसे, जो केयर करते हो या जो भी कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, इट्स टू इंटेंस उनके लिए. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ द रीडिंग. देखते हैं क्यों ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं. ओके, वी हैव हियर द वर्ल्ड. व्हाट मोर डू वी हैव? क्यों ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस हैं यहाँ पे. क्यों ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं? डेथ, स्कॉर्पियो. क्यों ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. वाओ, सो आई गॉट मेनी ऑफ द आंसर्स यहाँ पे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ. पहली चीज़, कन्फ्यूजन. मे बी ये पर्सन अपने आप को इस रिश्ते के बाहर भी, दे वॉन्ट टू गिव अ चांस, दे वॉन्ट टू सी हाउ इट गोज दूसरे लोगों के साथ. या मे बी हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक्स हो जिनके साथ इनका क्लोजर नहीं हो पाया है अच्छे से. दे आर स्टिल स्टक एंड दैट इज वॉट मेक्स देम कन्फ्यूज, जिस वजह से भी ये बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं. करंटली तो मेरे को नहीं लगता इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है अभी, बट मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट कन्फ्यूज्ड. हो सकता है कि ये अभी करना चाहते हैं आपके साथ पैचअप एट दिस मोमेंट इन टाइम, बट वो कन्फ्यूज्ड है क्योंकि टेम्परेंस के साथ नीचे आ रहा है टू ऑफ सोर्ड्स. सो दे वांट टू, उनको कभी कभार प्यार को लेकर भी कन्फ्यूजन होता है कि डू दे रियली लव यू, क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है. सो दैट इज़ होल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन दैट इज़ गोइंग ऑन देयर साइड. दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि हमेशा जब ये जाते हैं तब इनको तब ये रियल में ऐसा सोच के जाते कि दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द एंड, बस ख़त्म है प्यार. मैं अपने पास ही रखूँगा, अपने मन में रखूँगा, बट दिस इज़ द एंड. बट दे टेंड टू कम बैक इन. ठीक है, तो दे डोंट गेट, लाइक दे डोंट लिटरली गेट ओवर यू. वो हमेशा प्यार आपका प्यार उनको खींच लाता आपकी तरफ. सो दे आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम दे कम बैक एंड दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू. ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर, एज आई टोल्ड यू, दिस पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटर. मैजिशियन के साथ आया है और उनको लगता है कि एवरीथिंग इज़ अंडर देयर कंट्रोल और वो हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे. वो आपके फीलिंग्स को भी, यू नो, दे कैन हैंडल योर फीलिंग्स. मतलब वो आपको मना लेंगे, थिंग्स आर अंडर देयर कंट्रोल, सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में, वो कभी भी जा सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं. दिस काइंड ऑफ मेक्स दिस पर्सन मोर प्रोन टू ब्रेकिंग योर हार्ट ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है, ये पर्सन थोड़ा नॉटी है, जैसे मैंने आपको बोला. सी द लुक ऑन दिस बोथ पर्सन्स फेस. समटाइम्स दिस पर्सन इज अ पेज, समटाइम्स दिस पर्सन इज अ किंग. देखिए, मुझे लगता है जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप में जब आप होते हो, तब ये पर्सन एक किंग की तरह होते हैं. जब वो पूरा प्यार देते हैं, पूरा अटेंशन देते हैं, पता नहीं आपको, दे माइट प्रोमिस यू द मून एंड द स्टार्स. बट जब ये दूर होते हैं, बहुत ऑब्नॉक्शियस सी इनकी एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा, यू नो, परेशान करना, माइंड गेम्स खेलना. लास्ट कार्ड भी हैव इज़ अ वर्ल्ड कार्ड. मेनी ऑफ यू आर ऑन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. ये दूर से मज़ा देखते हैं आपकी कि आप क्या कर रहे हो. उनको ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और उनको एक ईगो बूस्ट मिलता है कि यू आर सफरिंग विदाउट देम. ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन नोज डीप इन साइड ऑफ देम दैट दे लव यू एंड सब चीज़ें ठीक हो जाती है एट द एंड जाके. बट ऑन दी अदर हैंड, मेरे को नहीं लगता ये पर्सन के फीलिंग्स फॉल्स है या फेक है. दे ट्रूली लव यू.
इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. अब हम देखते हैं हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स है पहला कार्ड. वॉट मोर डू वी हैव? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आप कैसा महसूस कर रहे हो? सेवन ऑफ कप्स, इट वॉज बाउंड टू कम, ये कार्ड आना ही था. वॉट मोर डू वी हैव? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. आई डोंट नो अंधेरा क्यों आ रहा है आज. ओके बेटर. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कैसा लग रहा है? इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो आप इस वक्त? ओके द सन लियो है. देखिए पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आप इस पर्सन को, यू आर रेडी टू टेक बैक दिस पर्सन इन योर लाइफ. आप यू आर लुकिंग स्ट्रांग. मुझे लगता है आप गिव अप नहीं कर रहे हो, या अभी इस वक्त करेंटली यू आर सॉर्टेड. ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही मरे जा रहे हो या पागल हुए जा रहे हो इस पर्सन को लिए. यू आर मतलब आप भले ही ये पर्सन आपके साथ अभी नहीं है, बट यू नो कि एक टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाएगी. पता है मुझे ना इस रीडिंग में एक चीज़ पहले से फील हो रही थी कि आप दोनों ना एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हो या कॉन्फिडेंट हो कि वी आर, ही इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर, शी इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर, इस टाइप की एनर्जी. एंड दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली दिस इज सेइंग. अगर ये पर्सन आएंगे, आई थिंक यू आर गोइंग टू गिव देम अगेन अ चांस. ठीक है, नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स, विच इज़ अ कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी, ओवरवेलम फीलिंग. आई थिंक आपको इस पर्सन का बिहेवियर कन्फ्यूज करता है. यू डोंट नो कब क्या हो जाए इस पर्सन के साथ, एंड देर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न इस पर्सन का आपको छोड़ने का. दे आर ऑलवेज लाइक वन लेग इन एंड वन लेग आउट ऑफ द रिलेशनशिप, एंड दिस कन्फ्यूजेस यू. बट यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ राइट नाउ. आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट द पास्ट, बट करेंटली आपने संभाला है खुद को. यू आर टेकिंग चार्ज, यू आर स्टेइंग हैप्पी, यू आर ट्राइंग टू लुक एट द बेटर साइड ऑफ द स्टोरी. आप अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो, और मैं यही चाहती हूँ कि आप अच्छा सोचो. रोने से कुछ नहीं होने वाला है. अब हम ये देखते हैं कि वॉट नेक्स्ट, वॉट नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप. ओके ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी डिफेंसिव एट टाइम्स. कभी कभार ये अपने ही गलतियों को अपने पल्लू के नीचे छुपाते हैं. इफ़ दे डोंट वेयर अ पल्लू, दैट डजेंट मैटर. मैं मजाक कर रही हूँ, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच अपने एक्शंस को डिफेंड करते हैं. ओके, दे विल बी अ लिटिल डिफेंसिव जब भी ये नेक्स्ट आप दोनों की बात होगी. और मे बी दिस माइट बी योर एनर्जी कि आप थोड़ा डिफेंसिव होने वाले हो, आप इतने जल्दी माफ़ नहीं करोगे मे बी. वॉट इज दिस पर्सनस रिएक्शन वेन दे कम बैक? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, दिस पर्सन जैसे मैंने कहा ये थोड़ा नॉटी है. दे माइट प्ले अ विक्टिम गेम. ओके, पहली बात तो ये पर्सन थोड़ा टाइम ले सकते हैं टू कम बैक, बिकॉज दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स. इट इज दिस नाइट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ये पर्सन हर कदम फूक फूक के रखते हैं, विक्टिम गेम बहुत खेल रहा है ये पर्सन. पहली बात, वो आने के बाद ऐसा दिखाएंगे कि तुमने कुछ कर दिया था, एंड दैट इज़ वाई आई वेंट अवे. तूने मुझे ऐसा बोला, तूने मुझे ये किया, तूने उससे बात कर लिया, तूने वो कर लिया, तूने मुझे तब रिप्लाई नहीं किया. सो सिली रीजंस देंगे, थोड़ा टाइम भी लेंगे. दिस पर्सन माइट टेक अ लिटिल बिट टाइम. हाउ शुड यू रिएक्ट टू ऑल दिस? ओके, सेवन ऑफ वॉन्स. आई थिंक दिस माइट बी द, मुझे लगता है ये पर्सन भी डिफेंसिव होंगे और आप भी काफ़ी डिफेंसिव होंगे. आप अपना पॉइंट रखोगे, यू विल स्टैंड योर ग्राउंड वेरी स्ट्रांग. मे बी काफ़ी लोग, आई डोंट थिंक यू विल स्ट्रेट अवे रिप्लाई टू दिस पर्सन. शायद यू आर स्लोली स्लोली ना, आपके एक टाइम ऐसा आता है ना कि कोई पर्सन अगर हमें बार 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 विदाउट रीज़न अगर अकेला छोड़ रहा है या कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहा है रिलेशनशिप में, वी टेंड टू लूज आर इंटरेस्ट, यू नो. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विथ यू. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इससे प्यार नहीं करते हो, आप इसको नहीं चाहते हो, बट इफ़ द सिचुएशंस डोंट चेंज, आई थिंक आप थोड़ा अपना बाउंड्री सेट करके रखोगे, एंड दैट इज़ वेरी गुड. मुझे नहीं लगता आपको खुद को हर्ट करना चाहिए ओवर एंड ओवर अगेन ओवर दिस कन्फ्यूज पर्सनैलिटी. ठीक है, चलो एक यस नो सेशन करते हैं. जानते हैं कि आपके सवाल को जवाब देती हूँ मैं. कोई सवाल है आपके मन में? आई नो होंगे, बहुत सारे होते हैं. लेट्स सी, फोकस ऑन योर क्वेश्चन. प्रे करिए, आंखें बंद करके उस क्वेश्चन पे फोकस करिए. यूनिवर्स से पूछिए, व्हाट इज़ माय क्वेश्चंस आंसर. एंजल से पूछिए, इन टैरो कार्ड से पूछिए, व्हाट इज़ द क्वेश्चन टू माय आंसर. सॉरी, व्हाट इज़ द आंसर टू माय क्वेश्चन. उल्टा फुल्टा बोल देती हूँ मैं, कभी कभी हो जाता है.
वॉट इज़ द क्वेश्चन टू माई आंसर. ओके तो ये हमारा कार्ड है, आई डोंट नो वॉट दिस इज, तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ. आई होप आपने अपना सवाल सोच लिया है. लेट्स सी वॉट इज दैट. ओके दिस इज़ अ येस बट बी केयरफुल, मैं इतना ही कहूँगी. ओके चल अभी हम लोग देखते हैं. हम लोग देखते हैं कि पर्सन एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, भले ही इन एंड आउट सिचुएशन में रखते हैं आपको, बट वॉट इज़ दैट ट्रू एंड डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज वाओ. मेनी ऑफ यू आर इनटू अ ट्विन फ्लेम जर्नी. आई थिंक ये पर्सन आपको अपना बेटर हाफ, अपना अदर हाफ मानते हैं. दे रिकोगनाइज यू ऑन अ सोल लेवल एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन बार बार आ जाते हैं. ठीक है, बट यू शुड डेफिनेटली सेट योर बाउंड्रीज. मुझे नहीं लगता, भले ही आप कौन से कुछ भी हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, दैट डजेंट मैटर. डोंट लेट एनी वन प्ले विद योर फीलिंग्स. ओके नेक्स्ट है यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम. मुझे लगता है कि आपके सामने ये पर्सन अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. दे फील कम्फर्टेबल अराउंड यू. उनको लगता है आप उनको अच्छे से समझ पाते हो, तो क्यों जाते हैं? मतलब क्या है यार, हद है. सब कुछ इतना अच्छा होता है, रायता फैलाना ही होता है इनको. द डिवाइन फेमिनाइन, दे सी यू एज द डिवाइन फेमिनाइन. वो आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं. दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, स्पेशली सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. दे फील नाइस टू हैव यू अराउंड देम. ओके चलिए अभी थोड़ा सा लव मैसेजेस भी देख लेते हैं. Let's see what comes up आपके लिए from the love messages. I really want to see. थोड़े ज़्यादा cards निकालूंगी मैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और clarity मिले कि ये person आखिर deep inside क्या feel करते हैं. ये बहुत नौटंकी person है, तो बहुत सारी बातें जो बोलती नहीं आपसे. ठीक है चलिए let's see कि ये person क्या कहना चाहते हैं आपसे. What does this person has to say to you? What does this person has to? मैं इनिशियल्स भी निकालूंगी, तो स्टिक टू द एंड. ओके ताकि आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है. बट इट डजेंट मैटर, ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, इनिशियल आए ना आए. ठीक है, तो पहला यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड. तो ये पर्सन को पता है कि आप इन जब भी ये खराब मूड में होते हैं, आप इनको इनकी केयर करते हो, इनको कम्फर्ट करते हो. ओके एंड इनको ये बड़ा अच्छा लगता है. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? नेक्स्ट इज यू, we know we can work things out together. तो ये इनको पता है अगर, तो क्यों? Why are this hurting you? Why are they playing with your feelings? अगर इनको पता है कि हम दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो रिश्ता ठीक हो सकता है, तो why are they playing these games? You are simply irresistible. तो ये आपसे अपने आप को नहीं दूर रख पाते. You are very irresistible to this person. जैसे होता है ना, हमारे सामने अगर कोई हमारी फेवरेट स्वीट डिश या डिश रखी होती है, तो हमारे मुँह में कैसे पानी आता है. Exactly. So that feeling is being irresistible. Okay. Okay. What more do we have? If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this lifetime. तो ये person बोल रहे कि अगर मैं कल मर गया, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो. हर एक को अपनी लाइफ अच्छी हेल्दीली जीनी चाहिए. बट एक बोलने का तरीका है कि अगर मैं मर गया कल, तो मुझे इस बात की एक कन्फर्मेशन होगा कि आई हैव मेट माई सोलमेट इन दिस लाइफ टाइम. मतलब आप इनके सोलमेट हो. ठीक है, ये तो मैंने बोला ही आपको रीडिंग के दौरान. दे फील अ सोल कनेक्शन टू यू. दे रिकोगनाइज यू ऑन अ सोल लेवल. यू पुट अप विद माई मूडीनेस ऑन ऑल एंड ऑल अदर इम्पैक्ट इन परफेक्शन. एग्जैक्टली आई टोल यू, आपने इनको इतना चांस दिया है. ये कितना भी मूडी बिहेव करे, आए जाए, इनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, इश्यूज़ भी है, बट फिर भी आप इनको एक्सेप्ट करते हो. ठीक है, और ये इन्हें अच्छा लगता है, इसी वजह से इतनी नौटंकी भी करते हैं. योर ड्रीम्स आर वेरी माई ड्रीम्स. तो आपके जो सपने हैं वो इनके सपने हैं. अरे असलियत में तो आ जाओ, फिर सपनों की बात करते हैं. द नेक्स्ट इज आई मिस यू इवन वेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम. तो अगर आप दोनों एक घर में बैठे हो, और अगर स्पेशली दिस मैसेज इज़ फॉर द लिव इन रिलेशनशिप में या मैरिड रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, जब आप अगले रूम में भी होते हो, तभी भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे होते हैं. सो दे मिस यू वेरी मच. यू गिव एनालाइजिंग अमेजिंग हग्स. तो आप इनको जो हग्स देते हो, बड़े इन्हें अच्छे लगते हैं. और लास्ट मैसेज है वो है, You have taught me what love is all about. तो आपने इनको प्यार सिखाया है. Wow, beautiful. तो यही थे messages. हम लोग initials भी देख लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई doubt ना रहे, आपको clear हो जाए more confirmation मिलने के लिए. ठीक है, okay. बहुत time बाद ये पिटारा खोल रही हूँ मैं initials का.
मैं अचानक से रैंडमली एक एक अल्फाबेट निकालूंगी. आई वॉन्ट सी. ओके विच इज कमिंग योर टी है यहाँ पे. टी है और ये क्या है, आई थिंक जी है. इसके ऊपर रख देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से. ठीक है, मैं मेरे पास और एक बॉक्स है. लेट मी पुट इट हियर. ओके, तो ये एक बॉक्स है, इग्नोर कीजिए अच्छा नहीं लगे तो. ये टी है, ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए कर दूँ कि आपको अच्छे से दिखे. ये जी है. ओके, तो ये थ्री है. मे बी आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ या उनका बर्थ डेट उनका बर्थ मंथ हो सकता है. ओके, तो ये क्या है, बी है. सेवन है. ये मे बी आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ या उनका बर्थ डेट या उनका बर्थ मंथ हो सकता है. नेक्स्ट है यहाँ पे एच. सो दिस इज एच. ओके, ये है टू. ये भी बर्थ मंथ या डे डेट कुछ भी हो सकता है. ये के है. ओके, दिस इज अ जेड आई गेस. यस, दिस इज अ जेड. निकनेम्स भी हो सकते हैं. सिटी का इनिशियल हो सकता है. ये टी क्या है, ये एक्स है. टी, वाह, मुझे लगता है मुझे फिर से ए बी सी डी सीखना पड़ेगा. एनीवेज, ये है के. के दो बार ही आया है. हो सकता है आपके पर्सन के नाम में दो के हो या वो आपको मुक्का मारना चाहते हो, क्योंकि मुक्के में भी दो के आते हैं. ये क्या है, ये बी है. बी भी दो बार आया है. मे बी निब्बा निब्बी हो सकते हैं. ये मेरे जोक्स को अवॉइड कीजिए. ओके, मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ ना. ये क्या है भाई, ये आई थिंक पी है या बी है. पी की तरह भी ले सकते हो, मुझे ज़्यादातर तो ये पी लग रहा है. और ये है जी. और ओके, क्यू और आर भी आ रहा है. ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं. तो ये इनिशियल्स आ रहे हैं. इसमें से आपके पर्सन का नाम हो सकता है, पूरा नाम भी हो सकता है, निकनेम हो सकता है, सिटी का इनिशियल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो बस यही थी. आई थिंक ये डी है. ये डी है आई थिंक. या दिस इज़ अ डी, नॉट अ पी. तो इसको पी डी बी किसी भी तरह ले सकते. तो यही थी रीडिंग. कैसी लगी आपको, अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो.